हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 NCERT मैथ के बारे में, जो कि आपका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का नाम क्या है दोस्तों? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एंड एक्सरसाइज 4.4 सभी का हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकें। अगर इन क्वेश्चंस में से आपका कोई क्वेश्चंस ना लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 या 4 हमारा नहीं लगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि इम्पॉर्टेंट है, कि एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसे आप लोगों को सॉल्व करना है और बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को सॉल्व करके आप लोगों को बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, जो कि आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर में ज़्यादातर, ठीक है। तो देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करती है। जो 480 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि सामान्य चाल से तय करती है, ठीक है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से सामान ही चाल में तय करती है, तो तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, इसकी चाल में अगर हम घटा दें 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी का चाल बताना है। आप लोगों को दोस्तों चाल ज्ञात करना है, तो आप लोग अगर जानते हो तो बहुत ही अच्छा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। और दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दे देगा समीकरण और कहेगा इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। तो दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आप लोगों को इसे हल करना है, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अगर आप लोग नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आप लोगों को इसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 4x² प्लस 4 अंडर द रूट 3x प्लस 3, जो कि बराबर है 0 के, ठीक है। तो इसे आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो दोस्तों, सॉल्व कर लेना, ये आपके एक्सरसाइज किस में है? 4.3 में है, तो आप लोग देख भी सकते हैं। और दोस्तों, ये जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर में हम देखे हैं, काफ़ी पेपर में पूछा गया है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, कि दे देगा ऐसे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर है 11/30 के। तो इसे आप लोगों को सॉल्व करना है, बट यहाँ लिखा रहता है x ≠ -4 and 7 के। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके एक्सरसाइज दो दोस्तों, एक्सरसाइज जो आपका है एक्सरसाइज 4.3, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके बहुत लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि आपके 7 नंबर में पूछा जा सकता है। और ये देखिए दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन, और 4 नंबर के लिए, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9/3/8 घंटे भर सकते हैं, इतना घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है। बड़ा व्यास है तो वो जल्दी भर देता है, कम व्यास वाला 10 घंटा ज़्यादा लेता है, ठीक है। और अब इससे हम ऐसे कहें तो बड़ा वाला जो छोटे वाले से 10 घंटा कम लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। आपको छोटे नल का व्यास और बड़े नल के व्यास को जो भरने में हौज को भरने में लगा समय ज्ञात करना, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को ऐसे मैं क्वेश्चन कई दूंगा, आपका त्रिकोणमिति का भी मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊँगा, लेकिन आप लोग इसे देखिए पहले।
छठवां क्वेश्चन है जो कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर में आ सकता है, क्योंकि भाई ये आप लोग देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी से 1 घंटा समय कम लेती है। एक एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ी से, सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम लेती है, यानी कि एक्सप्रेस जो है 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। यदि एक्सप्रेस की रेलगाड़ी की चाल सवारी की रेलगाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ दोस्तों चाल ज्ञात करना है, इसमें समय ज्ञात करना है, इसमें चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग इसे चाल ज्ञात कर लेना, अगर नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों आपका ये जो है एक्सरसाइज 4.4 का है, आप लोगों को इसमें बताना है इसका अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। विभक्तर का सूत्र लगाना है आप लोगों को, ठीक है। तो विभक्तर का सूत्र आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हो तो देख लीजिए क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी के, ठीक है। तो ये आपका देखिए 4.4 का है, और क्या है 3x² माइनस 4 अंडर द रूट 3x प्लस 4 अस्तित्व है या नहीं है, तो इसको आप लोगों को बताना है इसका अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। तो फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर संभव है तो उसकी आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को PDF भी मिलेंगे इसके, और आप लोग इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप लोग लगा लेना। तो दोस्तों अगर WhatsApp ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।